हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है एमीन्स। तो आज इसमें हम एमीनो के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स, बिरचन की विधियाँ। तो कौन कौन से मेथड्स से हम इन अमीनों को बना सकते हैं? तो पहली विधि है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। इनका अपचयन हम तीन तरह से करा सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला जो है वो है उत्प्रेरकीय अपचयन। मतलब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराया जाए। किनका कराना है? नाइट्रो यौगिकों का, नाइट्रो कंपाउंड्स का। जैसे यहां पर मैंने ले लिया CH3CH2 और NO2। ये क्या है? नाइट्रो एथेन। इसका नेम है नाइट्रो एथेन। तो जब हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराएं, इस पर हाइड्रोजन प्रवाहित कराएं, किसकी उपस्थिति में? निकिल या फिर प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तब ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ये एल्किल नाइट्राइल क्या होते हैं? एल्किल एमीन में चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर हमें ये प्राप्त हो गया एथिल एमीन या एथेनामीन। इसी तरह से अगर यहां पर हम एरिल कंपाउंड ले, जैसे नाइट्रो बेंजीन, ये नाइट्रो बेंजीन है। तो नाइट्रो बेंजीन का जब हम अपचयन कराएं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, किसकी उपस्थिति में? इसी निकिल या प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये एमीनो में चेंज हो जाते हैं। यहां पर क्या बन जाएगा? एमीन। कौन सा अमीन? बेंजीन अमीन, बेंजीन एमीन या बेंजीन अमीन, इनको मिलाकर के लिखेंगे तो बेंजीन अमीन। अगली जो अपचयन की विधि है वो है जो भी अभी हमने उत्प्रेरक अपचयन द्वारा कराया, अब सक्रिय धातुओं के द्वारा अपचयन। सक्रिय धातुओं द्वारा अपचयन कराना इसी नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए ही है। तो कैसे कराते हैं? कौन सी ऐसी सक्रिय धातुएं होती हैं? तो यहां पर फिर से एग्जाम्पल लिया मैंने इस नाइट्रो एथेन का। तो जब ये क्या है? एल्किल नाइट्राइल है। तो यहां नाइट्रो एल्केन। तो यहां पर ये इसका नेम हो जाएगा नाइट्रो एथेन। इस नाइट्रो एथेन की हम क्या कराएं? अपचयन कराएं, हाइड्रोजन से क्रिया कराएं। किसके द्वारा कराना है? वो हमें कराना है SN या फिर Fe10 हुआ, या फिर ये आयरन हुआ, या फिर जिंक हुआ। ये सारी सक्रिय धातुएं हैं। तो इन धातुओं की उपस्थिति में कराया जाए, साथ ही साथ कंसंट्रेट HCl, इनके द्वारा अगर इसका अपचयन कराया जाता है तो ये नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं? एल जो भी एमीन है इसमें चेंज हो जाते हैं। तो ये बन गया
एथेनामीन। इसी तरह से अगर हम यहां पर नाइट्रो कंपाउंड्स एराइल नाइट समूह लें तब भी ये क्या होगा, टिन या एफी या जेडन और कंसंट्रेट एचसीएल के द्वारा अगर इसका अपचयन कराया जाता है तो ये एरोमेटिक एमीन यानी ये क्या बन गया, बेंजीनामीन में परिवर्तित हो जाता है। इसकी अगली अभिक्रिया है अपचायकों द्वारा अपचयन। कौन से ऐसे अपचायक पदार्थ होते हैं, जैसे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो इनके द्वारा भी अगर हम इनका अपचयन कराएं नाइट्रो कंपाउंड्स का तब भी ये किसमें, एमीन में चेंज हो जाते हैं, जैसे CH3 CH2 NH2। इसका अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि बहुत ही स्ट्रांग अपचायक पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति में अपचयन करा दें तो क्या होगा, इसके द्वारा अपचयन कराने पर भी हमको ये एमीन ही प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है, ये तो नाइट्रो यौगिकों द्वारा हो गया। अगला है दूसरा, ये पहली विधि हो गई, अब ये दूसरी विधि, जब हम एल्किल नाइट्राइल या फिर यहां पर हम एरिल नाइट्राइल भी ले सकते हैं, एल्किल नाइट्राइल या फिर एरिल नाइट्राइल, के अपचयन द्वारा कैसे बनाएंगे, तो यहां पर कोई एल्किल नाइट्राइल जैसे RCN, इसका अगर हम किसी स्ट्रांग अपचायक पदार्थ जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसकी उपस्थिति में इसका अपचयन कराएं तो भी ये क्या होगा, एमीन में चेंज हो जाता है, ये प्राइमरी एमीन होती है। अगर यहां पर एल्किल समूह के स्थान पर एराइल समूह है तो ये तो हो गया एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल, ये एरिल साइनाइड, तो इसका भी अगर हम अपचयन कराएं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा तो ये भी क्या होगा, R ये एरिल समूह और यहां पर CH2NH2, जैसे ये क्या बन गया, प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन ही बनती है। किस तरह से देखते हैं, तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए यहां पर ये बेंजीन नाइट्राइल है और इसका हमने क्या किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराया तो हमें मिलेगा यहां पर ये बेंजीन और ये जो C है ये चेंज हो जाता है CH2 में और N ये NH2 में, तो ये जो पूरा समूह होता है बेंजीन के साथ में CH2 लगा होता है इसे हम बोलते हैं बेंजिल समूह, तो ये पूरा हो गया बेंजिल अमीन, बेंजिल एमीन। अभिक्रिया है
अमाइडों द्वारा, अमाइडों के अपचयन द्वारा, इनका भी अगर हम अपचयन कराएं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन ही प्राप्त होती है। किस तरह से देखते हैं, तो यहां पर अमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2। ये क्या है, एमाइड है। तो जब इनका हम अपचयन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की प्रेजेंस में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अमाइडों का अपचयन किया जाता है तो भी हमें एमीन ही प्राप्त होती है, प्राइमरी अमीन। इसी तरह से अगर यहां पर एरिल समूह है, जैसे यह है बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड, इसका भी अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ईथर की प्रेजेंस में अपचयन कराएं तो भी हमें यहां पर ये CH2 में चेंज हो जाता है और ये NH2, तो ये क्या बन गया, बेंजिल एमीन, बेंजिल अमीन प्राप्त हो गई। ये भी कैसी है, प्राइमरी अमीन है। अगली विधि है हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। इस क्रिया को हम हाफ मैन निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और ये एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्या होती है अभिक्रिया, आइए देखते हैं। जब हम कोई भी एल आर सी एस टू सी ओ एन एस टू कोई भी ये अमाइड की क्रिया ब्रोमीन और किसी क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से RCH2 और ये NH2, RCH2 NH2 ये प्राइमरी अमीन बन जाती है और इसके हम लेते हैं 4 मॉलिक्यूल, 4 अणु, तब क्या होगा, ये 2 पोटेशियम है, ये 2 ब्रोमीन से रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, 2KBr प्लस का अभी 2K बचे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इस CO और 2 हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन परमाणुओं से क्रिया करके बना लेंगे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। साथ ही साथ यहां पर अभी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 2 ये और 2 O बचे हुए हैं, तो ये बन जाएगा 2H2O। हमें यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है वो अमीन प्राप्त होता है। तो ये हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कहलाती है या इसे हम हाफ मैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली अभिक्रिया है गैब्रियल, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा। यह अभिक्रिया भी एग्जाम में खूब पूछी जाती है और नेम से आती है कि गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया क्या होती है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या होती है ये, तो जब थैलीमाइड, थैलीमाइड का जो रासायनिक सूत्र है, स्ट्रक्चर है, वो होता है ये CO
सी ओ और ये एन एच, ये है थैलीमाइड, थैलीमाइड। इस थैलीमाइड की जब हम क्रिया कराते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है, यहां से जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह हाइड्रोजन इसके OH पार्ट से इससे क्रिया कर लेता है और यह जल का अणु निकल जाता है बाहर, K बचा वो KH के स्थान पर आ जाता है और क्या बनाएगा यहां पर CO, CO और ये N और यहां पर K, ये क्या बना, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बन गया, पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। इस पोटेशियम थैलीमाइड की जब C2H5Br मतलब इथाइल ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहां से ये K और ये Br, पोटेशियम ब्रोमाइड ये बाहर निकल जाता है और इस K के स्थान पर ये एथिल आ जाता है और क्या बनेगा यहां पर CO, CO और ये N, ऐसा कैसा ही, और पोटेशियम के स्थान पर ये C2H5। इसका जब हम दोबारा से जल अपघटन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से ये क्या होगा, एथिल अमीन प्राप्त हो जाएगा ये इतना, तो यहां से हमें मिल जाएगा C2H5NH2, ये हमारा अमीन हो गया, एथिल अमीन। साथ ही साथ हमें क्या मिला, यहां से ये CO, CO। अब क्या बचा है, यहां से ये दो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर गए, NH2 बना लिया, अब ये बचा ONA, तो एक ONA इस CO से अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा ONA। इसी तरह से दूसरा जो ONA बचा वो इस यहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा ONA। ये क्या बना है, थैलिक एसिड सोडियम साल्ट, थैलिक एसिड सोडियम साल्ट। अगली अभिक्रिया है एजाइडों द्वारा, एजाइडों के द्वारा किस तरह से अमीन का निर्माण करते हैं, तो जब सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3, यह है सोडियम एजाइड। जब सोडियम एजाइड की क्रिया हम कराते हैं एल्किल हैलाइड से, ये एल्किल हैलाइड हो गया, तो जब एल्किल हैलाइड से इसकी क्रिया होती है तो क्या होगा, यहां से ये सोडियम और ये हैलोजन परमाणु आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और ये निकल जाएंगे बाहर NaX, सोडियम हैलाइड ये बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, Na के स्थान पर आ जाएगा R, तो ये बन गया RN3, ये बन गया एल्किल एजाइड। इस एल्किल एजाइड को जब कार्बन या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित किया जाता है तो क्या मिलता है, या इसके स्थान पर हम
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक उत्प्रेरक। तब या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका अपचयन कराएं, या फिर कार्बन या पैलेडियम द्वारा उत्प्रेरक इसका अपचयन कराएं, तो दोनों ही स्थितियों में हमें क्या मिलेगा यहां से, ये आर आर एन एच टू हाइड्रोजन है, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी एल्केमीन प्लस। अभी यहां पर दो नाइट्रोजन बची हुई हैं, वो नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकल जाती हैं और इस तरह से हमें अमीन प्राप्त हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने अमीनों के विरचन की विधियां या प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में सीखा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।